ये स्थान पर्याप्त रहेगा। ये छोरिया कहाँ से आ गई? पहले कभी देखा नहीं इन्हें। ललिता, लोगों को जो कहना है कहने दो, हम जो कार्य करने आए हैं वो करते हैं। काका, मटकियाँ उतरवा कर यहाँ रखवा दीजिए। ये हमारा स्थान है, ये यहाँ कैसे सामान बेच सकती हैं? हम यहाँ एक बहुत ही शुभ कार्य करने आए हैं, सहायता करना भगवान। मथुरापति महाराज कंस की जय हो। कंस 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 कंस। बरसाना के मुखिया ब्रिजमान जी, जानता हूँ इन्हें भी और इनके यहाँ आने का कारण भी। सच में कहूँ तो मुझे बहुत ग्लानि हो रही है। उस समय क्रोध में था तो दंड दे दिया, फिर सोचा तो ये लगा कि एक व्यक्ति की भूल का दंड बरसाने के पूरे कुमार संघ को देना अनुचित है, तो इसलिए सोच रहा हूं कि सभी कुमकारों को क्षमा कर दूं और अपना दंड लौटा दूं। आपने उन अपराधों को क्षमा किया महाराज, आपके इस दयालुता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। गोकुल के नंद के मित्र हो ना तुम, तो अपने मित्र की सहायता लो और दोनों मिलकर ये पता लगाओ कि वो बालक कौन है, क्या नाम है उसका। सभी कुमकारों को क्षमा मिल जाएगी। पर महाराज, मैं अर्जाने के मुखिया हो ना तुम, आशा करता हूं एक बार में बात की गंभीरता को समझोगे। कंस 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 कंस। मटकी ले लो मटकी, एक कंस मुद्राओं के 6 मटके, रंग बिरंगे सुंदर मटके, मटके ले लो। और ये मोर पंख के चित्र वाले मटके, एक मुद्रा के 2। लाल मिट्टी से बने शीतल मटके, एक मुद्रा के 3। मटकी ले लो मटकी ले लो मटकी। अरे जब देखो निर्लज्जता तो देखो इन छोरियों की, हाट में गले फाड़ के चिल्ला रही हैं। जाओ जाओ घर जाओ अपने, ये सब काम ना हम छोरों का है, तुम छोरियों का नहीं। सुनिए, यदि आपको हमारे यहाँ रहने से इतनी परेशानी हो रही है तो इन सारे घड़ों के दाम देकर सारे घड़े खरीद लीजिए, हम घर चले जाएंगे, आपका मन भी शांत हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। मटके ले लो मटके, मटके ले लो। देखने में तो सुंदर है, मजबूत तो है ना? हाँ काका, बहुत अच्छे से पकाए हैं। अच्छा, कहाँ के हैं? मथुरा के तो नहीं लगते। नहीं काका, ये तो बरसाना के हैं। बरसाना? साना? बरसाना? 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 पर बरसाना के मटकों पर तो प्रतिबंध है। क्या कर दिया ललिता? गोकुल बताना था ना, क्षमा करना राधा, वो किसी के मारे मुंह से फिसल गया। कौन मूर्ख खरीदेगा ये बरसाना के मटके? तुम लोगों को तो महाराज कंस ने बहिष्कृत कर रखा है। जो भी कोई बरसाना के मटके खरीदेगा उस पर राजद्रोह का आरोप लगेगा, नहीं चाहिए तुम्हारे मटके। अरे काका, काहे की बहस में पड़ते हो? मैं तो कहता हूँ इन मटकों को ही फोड़ देते हैं, ना रहेगा बांस और ना बजेगी ये बांसुरी। ये
बुरी बात है? आज इतने वर्षों पश्चात मिलन होने जा रहा है और आज ही सभी को अपने रौद्र रूप में आना था। एक बार मुझे अपनी राधा को देख तो लेने दो। पता नहीं पृथ्वीलोक पर कैसी दिखती होगी, कैसे चलती होगी, कैसे बात करती होगी, कैसे। आपको इन मटके नहीं खरीदने हैं तो मत खरीदिए, पर आपको इन्हें तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। अरे काय को सुनते हो इसकी, चलो फोड़ो मटके सभी, चलो। के लिए नहीं, अभी इस फिक्री लट को संवारने का समय नहीं है। नेत्रों में तुम्हारे रूप का प्रवेश तो हो गया है, अब समय आ गया है कि इस कहानी में मेरा प्रवेश हो जाए।
जग की है। मेरी कहानी थोड़ी लंबी है। पहले तुम ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? राधा, राधा, राधा। कृष्णा, कृष्णा। ये कौन है? दाऊ, मेरे बड़े भाई हैं। तुम्हारे भाई अकेले लड़ रहे हैं, जाके सहायता करो उनकी। भोजन और युद्ध दोनों में दाऊ का विघ्न नहीं बात। आज तक मेरे लिए यही तो लड़ते आ रहे हैं। जिस प्रकार तुमने मेरे मटके फूटने से बचाए, मुझे तो लगा कि तुम युद्ध करोगे। यही तो समस्या है। जो मैं दिखता हूं वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसके लिए देखने की आवश्यकता ही नहीं।